कैसे पता करे कि वो लड़की आपको लाइन दे रही है, कैसे पता करे कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है। फ्रेंड्स, जब ये सवाल मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पर बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों ने पूछा ना, तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड ऐसा मत करना कि आप उस लड़की को घूरने लग जाओगे, आप उस लड़की को फॉलो करने लग जाओगे, आप उस लड़की को इरिटेट करने लग जाओगे, क्योंकि आपको ये बात तो पता चल ही जाएगी कि वो आपको लाइन दे रही है या फिर नहीं दे रही है, क्या वो आप में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड वो है लड़की का भाव खाना। अब आप कहोगे कि सर मैं तो यहाँ जानने आया था कि लड़की लाइन दे रही है कि नहीं दे रही, आप तो बता रहे हो भाव खाना। देखो भाई, अगर आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो ना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आपके सामने फ्रेंड भाव खाने का वो एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा करेगी, बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाएगी। ऑब्वियसली भाई, अब अगर लड़की जाते तो नखरे तो दिखाएगी ही दिखाएगी, मगर वो लड़की ऐसा कर क्यों रही है? ताकि वो यूनिक लगे आपको, ताकि उस भीड़ में सबसे अलग लड़की लगे। भाई देखो, एक बात समझो, लड़की के अंदर ना बहुत सारी फीलिंग होती है, बहुत सारी बातें चल रही होती है, और वो ना ये बात चाहती है कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे जाने, और इसके चलते वो भाव खाना शुरू करती है, जिसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसे आप बात कर ले तो हंसकर मुस्कुराकर, जब उससे आप बात करते हो तो वो उतना हंसकर मुस्कुराकर बात नहीं करती, भाव खाती है, और आपका उसमें इंटरेस्ट और बढ़ते जाता है। और लड़की का प्लस पॉइंट यही तो है भाई, वो इसीलिए तो भाव खा रही है। और एक बात सुन लो, अगर वो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी ना, अगर उस लड़की को आप नहीं पसंद हो, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा भाई, कुछ रिएक्ट नहीं करेगी वो, जैसे कैजुअली बात होती है ना वैसे ही वो कैजुअली बात करेगी। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो ये चीज आपको समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, वो बस अपनी इमोशन बताना चाहती है आपको, और वो चाहती है कि आप उससे पहले आप समझ जाओ कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो आपके सामने भाव खा रही है। वरना आप एक बात बताओ, आप इतने स्पेशल बॉय हो गया जो सिर्फ आपके लिए वो भाव खाना चाहेगी? अगर आप उसे पसंद नहीं हो तो वहां से वो चली जाएगी, अगर आप उसे पसंद नहीं हो तो आपके मुंह पे कह देगी वो कि यार तुम उससे बात मत किया कर, यार मुझे पसंद नहीं है तू जब मुझे टोकता है, तो ऐसा बोलेगी ना। मगर वो सिर्फ भाव क्यों खा रही है? ताकि आप उस पर थोड़ा सा और ध्यान दो, ताकि आप थोड़ा और इफर्ट लगाओ उसे इम्प्रेस करने पे। बस सिंपल, समझ गया ना मेरे भाई क्या समझाना चाहता था। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अब जानते हैं कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड है, क्या वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती है, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। उसके लिए फ्रेंड्स सिंपली मैं थॉट बताऊं आपको, अगर आप किसी लड़की को देख रहे हो, किसी क्या अपनी क्रश को देख रहे हो, और उसको देखने के बाद ये बात उसे पता है कि आप उसे देखते हो, आप उसे लाइन देते हो, आप उसे देख करके मुस्कुराते हो, मगर उसके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब वो बुरा नहीं मानती है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो भी आपको देखने लग जाती है, कभी कभी वो भी आपको देख करके स्माइल कर देती है, मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं करती, वो बहुत कम ऐसा करती है। तो भाई इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फ्रेंड अगर वो आपको पसंद नहीं करती है और उसको पता है ये बात कि आप उसे देख रहे हो, भाई जाहिर सी बात है लड़की की चार आंखें होती है, ये बात तो सभी को पता होती है, दो आगे और दो पीछे, वो ये भी देख लेती है कि पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है, इस लड़की की नियत में क्या है, ये लड़का क्या चाहता है मुझसे और क्या कहना चाहता है, ए टू जेड समझ जाती है लड़कियां। मगर यहां पर फ्रेंड वो कुछ नहीं कहती आपको, वो भी कभी कभी दिखा दे रही है आपको कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, वो भी कभी जता रही है, और कभी वहाँ से जाती नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाती है, और ऐसा नहीं है कि आपके नज़रों के सामने से वो गायबी हो जाती है। तो मतलब भाई इंटरेस्टेड तो है आपने, ठीक है ना, वरना वो बुरा भी मान सकती थी आपके देखने से, मगर वो बुरा नहीं मान रही है, इतना तो समझो भाई मेरे। वेल, अगर आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया हो तो चलो तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, कंफर्टेबल होकर बात करना। ये फ्रेंड बहुत खास पॉइंट है आपके लिए। देखो, बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो एक दूसरे के साथ साथ तो रहते हैं, मगर वो कभी समझ नहीं पाते कि हाँ ये मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये मुझसे बात करती है तो एकदम कंफर्टेबल होती है ये, ऐसा नहीं कि नर्वस होती है, ऐसा नहीं कि मुझसे कुछ बोल नहीं पाती है, डरती है मुझसे, नहीं, एकदम कंफर्टेबल होकर बात करती है। मतलब हाँ, उसको अच्छा लगता है आपसे बात करना, और जब आप उससे देखते हो, जब आप उसे लाइन देते हो, या फिर जब भी कुछ भी करते हो, तो वो एकदम कंफर्टेबल होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरा मान जाती है कि यार तुम थोड़ा दूर होकर बात करो, या फिर यहाँ मत टोको यार, ऐसे बात मत करो यार, मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं है यार, इतना क्लोज आकर मत बैठो यार, ऐसा कुछ नहीं कहती, एकदम कंफर्टेबल। हाँ, जैसे भी आप बात करो उसे अच्छा लगता है, आप डबल मीनिंग में भी कभी कुछ बोल देते हो तो कुछ नहीं कहती, आप उससे फ्लर्ट करते हो तो भी कुछ नहीं कहती है आपसे, और जब भी आप रोमांटिक टॉक करते हो, कुछ भी बोलते हो ऐसा, तो इंटरेस्ट दिखाकर वो सुनती है। तो समझो भाई कि चल रहा है वही चीज़ जो आप थिंक्स कर रहे थे। एंड एक छोटी सी बात आपको और बतानी है भाई, इसको भी ध्यान से सुनना,
देखो ये बात तो सबको पता होती है कि लड़की जल्दी किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उसके पास खुद के इतने प्रॉब्लम होते हैं कि दूसरे की वो बातें को ध्यान नहीं रख पाती है, मगर आपकी बातों को, आपकी एक्टिविटी को, आपकी हर एक चीज को वो नोटिस करती है ध्यान से। और आपको कई बार तो ये चीज देखने को मिलता भी है कि आपने कहा उसे कि मेरे को ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, तो वो कभी वैसी हरकतें करती नहीं, और आपको उन्हें कहा कि मतलब मुझे ये करना पसंद है, मुझे ऐसे बात करना पसंद है या फिर ऐसे करना पसंद है, तो आप हमेशा उसे नोटिस करोगे कि ये ऐसी ही हरकतें करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि तुम्हें पता है मेरे को इस टाइम पे क्लास जाना होता है, मेरे को ये करना होता है वो करना होता है, तो कई बार वो आपको चीज़ समझाना भी चाहिए, अरे तुम्हारा तो क्लास का टाइम हो गया ना, अच्छा तुम्हारा तो वहाँ जाना था ना, अच्छा तुम्हें तो ये करना था ना, ऐसा कुछ वो आपको बताती है कि मतलब तुम्हें तो ये चीज़ करना था ना, मतलब तुम पे भी एकदम अच्छे तरीके से वो ध्यान रखती है। इससे कहते हैं अच्छे तरीके से नोटिस करना, तो समझ जाओ भाई कि वो पसंद करती है आपको। और अगर लड़की आपके सामने ज़्यादातर हमेशा बेस्ट लुक में आती है, घर पर वो कैसी भी रहे वो मैटर नहीं करता है, मगर जब भी उसे पता होता है कि हाँ आप इस रास्ते से इतने बजे गुजरोगे, हाँ इस रास्ते से आप इतने बजे उससे मिलोगे, हाँ इस रास्ते से दिख जाओगे उसे, हाँ वो दिख सकता है मुझे, तो हमेशा अपना बेस्ट पर्सनैलिटी, अपना बेस्ट लुक आपके सामने प्रेजेंट करेगी, ताकि आपका अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ उस पर ही रहे, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर ही रहे। तो समझ जाओ भाई। और अगर वो लड़की पता करती है कि आप औरों से कैसे बात करते हो, आपका औरों के साथ नेचर कैसा है और स्पेशली उसके साथ कैसा नेचर है, तो भी आप समझ सकते हो कि भाई वो लाइन दे रही है। एंड इसके अलावा फ्रेंड और भी बहुत सारे साइन होते हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मगर अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आप वीडियो का पार्ट टू देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, ठीक है ना। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको किसी अपने पर्सनल सवाल के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। बस यार वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को